हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सेट कोना चैनल में। आज मैं डिस्कस करूंगा दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। तो फर्स्ट जो अपडेट यहां पर निकल का आया है वो देखिए, कल ही एक नोटिस आया था NTA.ac.in वेबसाइट पे। तो यहां पर देख सकते हैं डेटेड, ये कल का डेट है 22 अगस्त 2020। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर रीओपन किया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल, क्यों? फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2020 एग्जामिनेशन। ये बेसिकली CSIR वालों का है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज़ देखिए, जो कैंडिडेट्स, ठीक है, ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत सारा स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इसलिए रीओपन किया जाएगा, ठीक है। और प्लस जितने भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फिल तो किया था लेकिन पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं किया था, जैसे बैंक का जो पैसा कटाता है, ठीक है, वो पैसा आपने सबमिट नहीं किया होगा, ठीक है। जो जितने भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, आप दोबारा उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो डेट आपको अवेलेबल मिलेगा, मतलब ये प्रोसेस आपको मिलेगा 22/8/2020 से 10/9, ठीक है, 22 अगस्त से आपको सितंबर 10 तारीख तक आपको ये सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो इतने टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इस टाइम में जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल करके ये कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो एग्ज़ाम जब होगा, ठीक है, तब आप दे सकते हैं। तो ये जो आप देखिए यहाँ पर लिखा है, सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड 5 PM ऑफ 10 सितंबर 2020। 10 तारीख का देखिए 5 बजे तक ये जो प्रोसेस है वो एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। इसके टाइम अगर आप अगर 5 बज जाएगा, फिर आप 6 बजे करीब करेंगे सबमिशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो ये रहा फर्स्ट न्यूज़, ठीक है। अब सेकेंड न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ देखिए, ये आपको, आप सबको पता चल गया होगा, तभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये 20 तारीख को आया था ये नोटिस। यहाँ पर वेरियस एग्जाम्स का डेट दिया था NTA ने। NTA जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, उस सब एग्जाम का डेट यहाँ पर दिया था NTA ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेट, यहाँ पर टेस्ट देख सकते हैं 6 से 11 सितंबर के बीच में ये होगा, ठीक है। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये होगा आपका 7 से 8 सितंबर के बीच में। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट ये आपका देखिए 15 सितंबर में होगा। देन यहाँ पर बिग अपडेट देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग UGC नेट का कैंडिडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो एग्जाम डेट दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए। देखिए 16 से 18 तारीख के बीच में एक बार होगा, ठीक है, देन फिर एक बार होगा 21 से 25 तारीख के बीच में, सेप्टेम्बर में, ओके। तो ये जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 90% जो है ये डेट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का जो संक्रमण है ये इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, इसीलिए ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और बहुत जो रिसर्च स्कॉलर है और स्टूडेंट्स हैं, सब ने ट्वीट रीट्वीट और भी बहुत एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं ये एग्ज़ाम पीछे करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप मतलब समझ सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका कैंसिल हो सकता है, तभी आप अपना तैयारी कर लीजिए। अगर हो जाए तो आप दे दीजिएगा तब, लेकिन 90% जो है आपका ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। देन ये वाला देखिए, वाल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर 28 सितंबर में होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। देन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी PhD, ये देखिए PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 4 अक्टूबर, ओके। देन यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मास्टर डिग्री प्रोग्राम PG एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ
जीआरएफ एंड एसआरएफ पीएचडी, यहाँ पर ये जो डेट इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, ये अनाउंस कर दिया, ठीक है, जल्द अनाउंस हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका दूसरा अपडेट, ठीक है।